हालेलुया, सभी को जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि उनके ना तो कोई न्याय है, ना कोई उनका लीडर है, उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उन्हें कोई ये नहीं बताने वाला है कि तुम्हें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। फिर भी वे इतनी समझदार हैं कि जब तक उनके पास मौका है तब तक वे उस मौके का लाभ उठाती हैं। हम मनुष्य होकर भी इतने आलसी हो जाते हैं कि अपने कामों पर ध्यान नहीं देते, अपने खाने के लिए भी हम परिश्रम कभी कभी नहीं करना चाहते। लेकिन एक चींटी जो होती है वो इतना परिश्रम करती है, जब तक उसके पास समय है, जब तक उसके पास कटनी का समय, जब उसे पता है कि ये कटनी का समय है और इसी समय हमें भोजन वस्तु इकट्ठा करना है, तो वो उसी समय अपनी भोजन वस्तु इकट्ठा करती है। उसे पता है कि कटनी के बाद बारिश होगी, जिसके कारण वह फिर दोबारा अपना भोजन वस्तु नहीं पा सकेगी, इसलिए वह पहले से तैयार रहती है और अपनी भोजन वस्तु इकट्ठा कर लेती है ताकि उसे बाद में परेशानी ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक चींटी से हमें इसलिए सीखने को बोल रहा है कि जिसका कोई रखवाला नहीं है, जिसका कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, फिर भी वो इतना एक्टिव है, इतना सतर्क है और वह मौके का लाभ उठा रही है, जब तक उसके पास समय है तब तक अपना समय बर्बाद नहीं कर रही है। तो हम मनुष्य होकर अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हम मनुष्य होकर अपना समय क्यों बर्बाद करें?